चूंकि भजन पे बहुत ज्यादा यूज होता है, उसको आप आरती पे बजा सकते हैं, उसको और भी भजन ऐसे ऐसे कंपोजिशन आते हैं जिसके साथ आप बजा सकते हो। अभंग है, आठ मात्रा में ही है, लेकिन उसका चलन जो है एक अलग ही सुनाई देता है। इस्तेमाल ज्यादातर होता है, तो ये कैसे बजेगा? मैं बहुत से कमेंट्स को पढ़ा तो मेरे मन में आया कि आप लोगों को बताना चाहिए कि ठेका बजेगा कैसे। तो इसको आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे बजेगा। बोल क्या है? धिन धिन ता तिन तिन ता धिन धिन। लाइट में क्या होता है, जब तक हम चीजों को समझेंगे नहीं कि धधिन का कैसे निकला, तब तक वो समझ में नहीं आएगा। धिन धधिन न आया, धिन धधिन ता तिन ततिन ता, धिन धधिन ता तिन ततिन ता। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे कैसे। धिन धिन ता तिन ततिन ता, धिन धिन ता तिन ततिन ता, धिन धिन ता तिन ततिन ता। जब ऐसे स्लो करके हम जोड़ लेंगे तो उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा लय बढ़ाएंगे तो ये इसका फ्लेवर बन के आएगा कैसे। धिन धिन ता तिन ततिन ता, तिन ततिन ता तिन ततिन ता। अब जैसे न ये लगा रहे हैं, आप न यहां भी कभी कभी लगा सकते हैं, जैसे कैसे तिन ततिन ता तिन ततिन ता। न यहां भी बज सकता है, यहां भी बज सकता है, तो हम न इसको भी प्रयोग मिला सकते हैं कैसे। तिन ततिन ता तिन ततिन ता। अब देखिए इसके छंद को बनाने के लिए एक जो अवग्रह जा रहा है धिन धिन, जो एक आंख जा रहा है वहां एक अवग्रह है। धिन धिन ता तिन ततिन ता, इन जो जा रहा है जब तक हम उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो सिर्फ बोल याद कर लेंगे तो फटफट फटफट आ जाएगा, लेकिन वो लय में नहीं बनेगा, उसका जो एक फ्लेवर है सर्कल है वो नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए क्या, उस अवग्रह का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कैसे। धिन धिन ता तिन ततिन ता, धिन धिन ता तिन ततिन ता। ऐसे करके भजन का ठेका आपका बनेगा। इसके वैरायटी तो और बजेंगे ही, इसके जो और वैरायटी है, लेकिन इतना करके पहले हम इसका लय बढ़ाते हैं ठीक। धिन धिन ता तिन ततिन, और पर बजा के इसका लय और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे कंपोजिशन कुछ उस टाइप का आ गया, कुछ गाने होते जैसे थोड़ा सा चलन ही तेज बढ़ता है। ये हो गया। इसके बाद इसकी वैरायटी जिसको कहते हैं वो कैसे बनाएंगे हम। धिन धिन ता तिन ततिन ता, धिधि धिन ता तिन ततिन ता। क्या है, धिधि धिन ता, धिधि लगा दिए शुरुआत में तो थोड़ा चेंज हो गया। धिधि धिन ता तिन ततिन ता, धिधि धिन ता तिन ततिन ता, धिधि धिन धिधि धिन ता तिन ततिन ता, धिधि धिन ता तिन ततिन धिधि धिन ता तिन। अब देखिए जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा आप जब चेंज करते जाएंगे तो इसका फ्लेवर बदलता जाएगा। जैसे धिन धिन ता तिन, धिन धिन ता तिन ता, धिन धिन ता तिन।
दिन धिन्न था तिन तधिन्न था, लास्ट में जो देखिए बाहें लग गया उस आपका फ्लेवर अलग हो जाएगा। कैसे? दिन धिन्न था तिन धिन्न था तिन धिन्न था तिन धिन्न था तिन धिन्न। इसी तरह कर करके थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप इसकी क्वालिटी और अलग अलग वेराइटी बना सकते हैं। दिन धिन्न था तिन धिन्न धिन्न था तिन धिन्न। ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप वैरायटी को अपने बना सकते हैं। इसको अभंग ताल बोलते हैं हम लोग आठ मात्रा में। ये आपके भजन पे और आरती में बहुत ही काम आएगा। इसको आप बजाइए इस तरीके से। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ स्लो मोमेंट में कि कैसे आप बोल, तो आपको पता ही चल गया धिन धिन्न दा तिन ततिन्न दा या तिन धिन्न दा, ये भी लगा सकते हैं धिन धिन्न दा तिन तधिन्न दा। धिन धिन्न दा तिन तधिन्न जा सकते हैं। बहुत आसानी से बज जाएगा। एक बार जब सर्कल बन जाएगा तो आपको इतना आसान लगने लगेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये ठेका आप बजाने लगेंगे। स्पेशली मैंने इस ठेके को इसलिए बताया कि इसमें बहुत सारे लोग पूछते हैं, कॉल कर करके भी पूछते हैं सर कि वो हमको ऐसा बताइए कि हम वहां मंदिर पे जाएंगे बजाएंगे, वहां भजन में जाना है सर, यहां ऐसे बजाना है भजन पे, एक भजन का ठेका। महाराष्ट्र से बहुत से लोग हमसे पूछे कि सर ये भजन का ठेका जरूर बताइए। तो मैं आज स्पेशली मैं सोच के उन लोगों के लिए जो ऐसा बजाना चाहते हैं, इसको ध्यान से देखें कैसे कैसे बजा है। जैसे हमने बताया है आप बजाएंगे तो हमें लगता है कि एक आध घंटा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा बजाने आ जाएगा भजन पे ठेका, और आप किसी भजन पे बजा सकते हैं। इस ताल में जो भी भजन होगा वो बजने लगेगा। आप आरती पे भी देखेंगे यही ठेका बजता है, जिसको आप बजा सकते हो। और भी वेरिएशन आप तैयार कर सकते हैं खुद भी सुनकर कि कैसे कैसे मेरा वेरिएशन और ज्यादा बज रहा है, कैसे हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो आप खुद भी करने की कोशिश करिए, जरूर बजेगा।